नमस्कार, मैं हूं आकाश। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। आयुर्वेदिक दवा फैक्ट्री के मालिक का गन पॉइंट पर हुआ अपहरण। फैक्ट्री पर काम कर रहे फैक्ट्री के मालिक डॉक्टर योगेश जैन का हुआ अपहरण। डॉक्टर योगेश जैन के बेटे ने एटा जिले के अलीगंज कोतवाली में कराया अपहरण का मुकदमा दर्ज। डॉक्टर जैन की अनेकांत फार्मा नाम से फैक्ट्री आयुर्वेदिक दवाओं की है संचालित। अलीगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत राय रोड का है पूरा मामला। प्राइम न्यूज 24 से विकास दुबे, ब्यूरो रिपोर्ट, एटा की रिपोर्ट। ईशान, क्या बात हुई? मेरे पापा हैं योगेश जैन, वो कल वहाँ पे फैक्ट्री पे थे लगभग 4 बजे। कल लगभग 4 बजे 5-6 अज्ञात लोग आए, वो उनको गन पॉइंट पे कहीं पे लेके चले गए और मुझे ये पता नहीं है कहाँ पे लेके गए हैं और अभी उनकी कंडीशन कैसी है। और बस कल से यही हुआ। अच्छा, आप थाने गए थे? हाँ, थाने गए। क्या हुआ? थाने में जो रविंद्र कुमार पत्रकार है भोपाल का और यहाँ पे पारस जैन है, इन दो लोगों ने मेरे पापा को उठवाया है और इन दोनों के अगेंस्ट में मैंने FIR करवाई है पुलिस में। अभी थाने में FIR हो गई है? हाँ। पुलिस कोई कार्रवाई की नहीं की? अभी तो कोई कार्रवाई नहीं, कोई पता लगा नहीं लगा अभी, कुछ पता लगा नहीं। साहब, आपके पति के साथ क्या हुआ? हमारे पति को कल वहाँ फैक्ट्री में थे, शाम को 4 बजे के लगभग कुछ अज्ञात 5-6 लोग आए और वहां से जबरदस्ती उनको खींच करके, तमंचा दिखा करके उनका अपहरण करके ले गए। हमको ये पता नहीं कि वो कौन लोग थे, कहां से आए थे, कोई खबर नहीं। इसलिए पुलिस से अनुरोध है कि हमारे पति का जल्दी से जल्दी पता लगाने की कोशिश करें। कल शाम से उनकी हमें कोई खबर नहीं है। आप पे किस पे सके? हमें यहाँ अलीगंज के पार्श्व प्रसाद जैन हैं, उनके ऊपर शक है क्योंकि वो कई दिनों से उनके पीछे पड़े हुए थे। और भोपाल के पत्रकार रविंद्र जैन, उनके ऊपर भी शक है क्योंकि वो बहुत दिनों से उनके पीछे पड़े हुए थे कि किसी तरह से उनसे विद्यासागर महाराज से माफी मंगवाए और वो अपना उसमें जीत हासिल करे। सर, ये एक व्यक्ति का अपहरण का मामला था, सोशल मीडिया पे आ रहा था, क्या है पूरा मामला? ये कल 10 नवंबर को डाटा योगेश जैन को कुछ लोग सादे में आकर के उठाकर ले गए थे, जिस संबंध में उनके परिजनों द्वारा मुकदमा अपहरण का लिखवाया गया था। लेकिन जानकारी करने पाया गया कि योगेश जैन द्वारा सोशल मीडिया में जैन धर्मगुरुओं के विरुद्ध आपत्तिजनक पोस्ट डाली गई थी, जिस संबंध में जनपद टीकमगढ़ मध्य प्रदेश कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत है। वहां की पुलिस द्वारा उन्हें कल गिरफ्तार करके ले जाया गया है। उनका कोई अपहरण नहीं हुआ है।